देखिए, ये ओ लेवल का जो 2022 में आईटी टूल्स का पेपर हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स का जो पेपर हुआ था, M1R5 जिसका कोड है, उसी का ये पेपर है, देख लीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसानी से सारी चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड बाई, तो ये होता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, मैन्युफैक्चरर इसका होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी विच इज यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डाटा ऑफ सम टाइप्स ऑफ नोन एज, तो इसे कहते हैं बाइट। ग्रुप ऑफ बिट्स को बाइट ही ना कहते हैं, दूसरा कोई तो ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन, डाटा इंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के। तो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर आइए, ये देखिए ये क्वेश्चन, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, लेटर्स को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लेटर्स से जो है कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे कॉलम को, आप कहेंगे कैसे, ये तो गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक्सेल अगर ओपन करता हूँ तो एक्सेल में मैंने क्या बताया था, कॉलम क्या होता है, तो देखिए ये कॉलम है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये कॉलम है, मैंने बताया था ना, ए बी सी डी जो होता है ये कॉलम होता है, ये कॉलम है, तो ये लेटर है ना, नंबर तो ये रो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी उसी हिसाब का दिया गया है। देखिए जरा, यहाँ पे पूछा गया है, इन स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है, तो कॉलम होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, कहा गया है इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, तो आउटलुक जो है ईमेल यूटिलिटी का एग्जाम्पल होता है आउटलुक, तो इसमें आपको किस पे टिक करना है, आउटलुक पे टिक करना है। बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको बस आराम से इसका जवाब देना है। ठीक है, देखिए ये हो गया। इसके बाद से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ओडीटी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, ओडीटी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिएगा, स्पेशल इफेक्ट दैट, उसको क्या कहते हैं, उसे ट्रांजिशन कहते हैं, पावर पॉइंट में यूज होता है। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, IME, देखिए कितना आसान है, इनपुट मेथड एडिटर, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा जो। अब नीचे आते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि 14 को ऑप्शन रहता है, देखिए इसमें 14 को ऑप्शन रहता है, देख रहे हैं, यहाँ काउंट कीजिए, 1, 2, 13 या 14 ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन रहता है, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन है, 11, 12, 13, 13 ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी इसमें रैम का क्या होगा, रैम, अब इसमें सोचेंगे आप रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, तो पहले का डी हो जाएगा, तो इस तरीके से पहले को डी से मैच कर देंगे हम, जैसे मान लीजिए ये पहला है, तो इसको हम यहाँ से मैं डी से मैच कर दे रहा हूँ, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का ही फुल फॉर्म होता है, ओसीआर। ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये होता है ओसीआर, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो सब गलत होता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यूनिक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये कंट्रोल एम से क्या होता है, स्लाइड बनती है, ये दिया हुआ है इंसर्ट न्यू स्लाइड, तो कंट्रोल एम को इंसर्ट न्यू स्लाइड से मैच कर दीजिए, यूनिक्स मैच करा ही दिया गया है। कंप्यूटर मेन्यू इज अ कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर का मेन्यू किसका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 मेगाबाइट, तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, 10 पे 6 बाइट्स। ठीक है, इससे आप मैच कर दीजिए बिना सोचे समझे, ये हो जाएगा। ठीक है, डॉट डी ओ सी एम एस वर्ड का जो है एक्सटेंशन होता है, देखिए एम एस वर्ड फाइल ये दिया गया है, यहाँ से आप डॉट डी ओ सी को एम एस वर्ड फाइल से मैच कर दीजिए। मैग्नेटिक डिस्क क्या हो कर दीजिए, देख रहे हैं, इस तरीके से सब हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इस तरह से कुल मिला करके 40 क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए 40 क्वेश्चन है इसमें, और 40 में से मिनिमम पास होने के लिए आपको कितना पाना है, 24 नंबर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो नीचे दिया गया, ये देखिए ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जिसमें पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पूछा गया, यहाँ पे देखिए, जो कि मैं कम से कम 500 बार बता चुका हूँ स्कूल्स में, तो छोड़िए मतलब इतनी बार मैंने इसे बताया है कि मुझे जबान पे ये रट चुका है। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया, ओपन सोर्स कई बार मैंने बताया है, ये क्लास 10th में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद एम एस वर्ड का महत्व वगैरह पूछा गया, देखिए ये पूछा गया है फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम एस वर्ड पूछा गया, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जानते नहीं है व्हाट्सअप है, ईमेल भी इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज होता है, जो एप्लीकेशन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज होते हैं वो सब पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सेल, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, ये देखिए ये इंग्लिश वाला, व्हाट आर द डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स इन एक्सेल, एक्सेल में कौन कौन से डाटा फॉर्मेट होते हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन के लिए ये क्वेश्चन है।
आईओटी के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आईओटी यहाँ पे दिया गया, रोबोटिक्स के बारे में पूछा गया है। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है और ये पेपर खत्म हो गया। आप 95 प्लस गेन कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस 40 में से 24 पाना जरूरी है, अगर 24 नहीं पाया तो आप फेल हो जाएंगे, फिर नीचे का ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जांच नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये आईटी टूल्स का मैंने बता दिया।